हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट देख रहा था। अब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट में आज मैं उसी लेक्चर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस दिन कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए वीडियो बीच में रुक गई थी। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने देख लिया था कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक्स डिवीजन रूल में मैंने देख लिया था कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर एक्स बाई थ्री, एक्स बाई सिक्स एंड एक्स बाई नाइन। अब क्या क्वेश्चन आता है कि क्या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ वैलिड फॉर स्क्वायर और नॉट? यस, इट इज़ वैलिड फॉर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कैसे। सपोज करिए मैंने एक नंबर लिया 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1156 आता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 34 का स्क्वायर 1156 कैसे आता है। सो मेरा आप स्क्वायर वाला वीडियो देखें कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है वहाँ पे, आप लोग उसे ध्यान से देखिए। तो मैंने लिख दिया कि 34 का स्क्वायर होता है 1156। ओके, अब क्या करता हूँ कि मैं इस दोनों इसे मैं क्या 34 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब मैं डिजिट को क्या करता हूँ, सम करता हूँ। मीन्स 3 प्लस 4 3 प्लस 4। जब मैं 3 प्लस 4 करूँगा तो क्या आएगा, 7। और यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे तो स्क्वायर भी है, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49। ओके वेरी गुड, 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब क्या करेंगे, 4 प्लस 9 क्या आता है, 13। और 13 को जब 1 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या आ गया, 4। मीन्स कि एल एच एस साइड में मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल गया, 4 आ गया। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ व्हाट, डिजिटल सम। अब मैं डिजिटल सम को इधर लगाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब मैं डिजिटल सम को इधर लगाऊंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 1 12 12 प्लस 1 व्हाट 13। अब मैं इसे फर्दर 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 प्लस 1 क्या आ गया, 4। जब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस आ गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया। सर इसका फ़ायदा क्या है, इसका बहुत फ़ायदा है, इसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप ध्यान दे दो। अगर मान लीजिए किसी भी बड़ा नंबर का आपको स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, तो मैं वहाँ पे पहले डिजिटल सम लगा करके देख लूँगा कि डिजिटल सम से कौन कौन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आधा तो मैं डिजिटल सम से ही ऑप्शन को क्या कर लूँगा, एलिमिनेट कर लूँगा। और जब आधा एलिमिनेट ही हो जाएगा डिजिटल सम मेथड से, तो उसके बाद एक मेथड हम सिखा देंगे उससे पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, वो हम देखेंगे अपने स्क्वायर वाले वीडियो और या स्क्वायर रूट वाले वीडियो में, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसको। तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा मुझे वहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए। चलिए जैसे देखते हैं, अब एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 24 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज हाउ मच, कैन यू विल टेल मी द स्क्वायर ऑफ 24 और नॉट? यस, वी कैन इजली टेल द स्क्वायर ऑफ 24। ऐसे तो मैं कहता हूँ 1 से 25 तक का स्क्वायर क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो तब मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ पीछे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि 24 का स्क्वायर कैसे निकालें। 24 का स्क्वायर कितना आता है, 576। आप लोग याद कर ले 25 तक, नहीं तो मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, फिर वही डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। फिर मैं इसे क्यूब के लिए भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 4 हाउ मच, 6। 6 का होल स्क्वायर, ओके 6 का होल स्क्वायर कितना आता है, 36। 6 प्लस 3 इज व्हाट, 9। ओके, ये वेरीफाई हो गया। अब मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को इधर लगाता हूँ, 5 प्लस 7 प्लस 6। ओके, 6 प्लस 5 11 11 प्लस 7 इज व्हाट, 18। और 18 में मैं जब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो कितना आ गया, 9। मीन्स यहाँ से मैं एक ऑब्जर्व कर सकता हूँ एक चीज की, LHS इज इक्वल टू वॉट, आर एच एस। अरे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड हुआ कि नहीं, यहाँ बिल्कुल हो गया। चलिए अब मैं इसे क्यूब में लगा के दिखाता हूँ, क्यूब क्यूब में ये लग पाता है कि नहीं।
सपोज मैं ले लेता हूँ 24 का व्हाट क्यूब, जब 24 का आप क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 13824, ओके 13824। मैं क्यूब पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप ध्यान दे तो 4+2 इज व्हाट 6, 6 का जब मैं क्यूब निकालूंगा तो ये आएगा 216, ओके। नाउ अप्लाई द डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। अब मैं जब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 6+2 इज व्हाट 8 एंड 8+1 इज व्हाट 9। चलिए मेरा LHS में क्या आ गया, 9 आ गया। अब जरा मैं राइट हैंड साइड में इसे अप्लाई करके देखता हूँ। जब मैं राइट हैंड साइड में अप्लाई करूंगा 8+2 इज 10, 10+4 इज 14, 14+1 इज 15 और 15+3 इज व्हाट 18, ये कितना आ गया 18। और 1+8 जब मैं करूंगा तो क्या आ गया 9। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। इसका मतलब यहाँ पर भी LHS किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बारे में। एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, उसे ऐसे ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सपोज करिए एक मैं डिवीजन का क्वेश्चन देता हूँ, 136 डिवाइडेड बाई 17। जब इसे आप 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 8। अब मैं चाहता हूँ कि सर इसे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके दिखाएं। जरा ध्यान दीजिएगा, 6+3 इज व्हाट 9, 9+1 इज व्हाट 10। ऊपर तो सर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से 10 आ गया, और 7+1 क्या आ गया 8। सर यहाँ पर तो अगर मैं ऊपर डिजिटल सम लगाऊं तो सर ये तो 1/8 मीन्स कि LHS साइड तो सर 1/8 बन रहा है, और इधर 8 बन रहा है तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS तो हुआ ही नहीं। आप एक पॉइंट को भूल गए पीछे, मैंने बताया था कि क्या मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जरा ध्यान देंगे, ऊपर क्या 8 और नीचे क्या 64 बन गया, 6+4 क्या गया, क्या 10 आ गया। अरे 8/1 आ गया कि नहीं, देखिए तो यहाँ से ये जो 8 है लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो 8 राइट हैंड साइड में, वेरीफाई हो गया कि नहीं, मीन्स LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS। अरे वेरीफाई हो गया कि नहीं। ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहीं पे भी फेल नहीं होगा। जो लिमिटेशन था मैंने इसका लिमिटेशन बता दिया। इसका दो ही लिमिटेशन है, x/3, x/6, x/9 में ये अप्लाई नहीं होगा, और एक कंडीशन में और अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हो। सपोज करिए रूट थ्री का वैल्यू 1.732 हम लोग रटते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बहुत दूर तक जाता है, मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। ठीक है, रूट टू में फेल हो जाएगा। रूट टू का वैल्यू 1.414 हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये 1.414 बढ़ते चला जाएगा, मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर। और जहाँ पे आप लोग अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, सपोज करिए जैसे कोई नंबर है 1.326 आप इसे लिख दिए 1.3, तो यहाँ पर ये इनवैलिड हो जाएगा, मीन्स अप्रोक्सीमेशन में ये इनवैलिड हो जाएगा, मीन्स इसका ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक्स है। और एक जगह और इसका लिमिटेशन है, कहाँ पे, x/3, x/6, x/9। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।